नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं विजय खोई। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण होता है, वो भी क्वालिटी के साथ। क्वालिटी में यहाँ कोई समझौता नहीं होता है। हम आपको दिखाते हैं मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल के बारे में। पहले तो सर से जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सर पहले तो मल्टी क्रॉप जो सीड ड्रिल है, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को समझाइए कि ये मल्टी क्रॉप क्यों है। जी सर, ये मल्टी क्रॉप इसलिए है क्योंकि इसमें सारी फसलें बोई जा सकती हैं। अच्छा, सर अच्छा। इसमें मक्का भी बोया जा सकता है। क्या सर अनदर सीड्रोल में क्या सर कि मक्का नहीं बोया जाता, इसमें क्या सर मक्का भी बोया जाता है। अच्छा, अच्छा। इसलिए सब मल्टी क्रॉप मतलब है। आपका कहना ये है कि इसमें जो छोटी जो फसल है, जैसे सर मूंग है, उड़द है, ये सारी फसलें सिस्टम से बोई जा सकती हैं। बड़ी फसल में डॉलर चना है और मक्का है, ये भी बोया जा सकता है। तो इसमें ये अलग से बॉक्स लगा हुआ है, इसके बारे में बताइए किसान। मक्का के लिए अलग से बॉक्स लगे रहते हैं सर। इसमें गियर सिस्टम भी दिया रहता है कि सर आपको मक्का की बीज दर क्या रखनी है, उसके हिसाब से इसमें मक्का डाला जाता है सर। अपने बीज के हिसाब से इसमें से निकलता रहता है पूरा फर्टिलाइजर पाइपों में। जी सर। और सर इसकी अपन टाइम्सों को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ फसलें जो हैं कम दूरी पर लगाई जाती हैं। जी सर ऐसा क्या इसमें क्या रहता है कि सर इसमें एडजस्टिंग रहता है सर। यहाँ से इस बोल्ट को यहाँ पे कर दो सर, अपने आप 1 इंची का फर्क आ जाता है सर। तो क्या रहता है सर, 8 इंची से 7 इंची पे, 6 इंची पे आप कर सकते हो सर, एडजस्ट कर सकते हो सर। सर इसकी जो चद्दर की बात करें तो इसमें जो चद्दर यूज की गई है उसके बारे में बताइए। सर इसमें टाटा भूषण SR की चद्दर यूज की गई है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी सर नंबर 1 है पूरे इंडिया में सर। सर इस चद्दर का मेन काम क्या रहता है सर कि सर ये लॉन्ग लास्टिंग चद्दर है सर। ऐसा नहीं रहता कि सर 14 गेज की चद्दर लगी रहती है इसमें सर। सर इसकी पेटी की क्वालिटी देखिए सर आप। सर इसमें जो 2 पीस किया गया है, इसका भी कारण बताइए क्या सर कारण? इसका 2 पीस का कारण मैंने ये है कि सर इसमें क्या है कि कभी कभी सर अनाज में सर एडजस्टिंग होने में प्रॉब्लम जाती है सर, तो इसमें 2 पीस कर देते हैं सर। यहाँ से आप आधा अनाज साइड रहेगा, आधा इस साइड रहेगा। पार्टी किसान ले जाता है ट्रैक्टर को, तो वो बीज एक साइड चला जाता है सर। तो वही सर इसमें क्या रहता है, अपना एक लेवल में बना रहता है सर। पेटी के अंदर जो स्टैंड लगे रहते हैं सर, ये देखिए आप स्टैंड सर, ये 4 स्टैंड लगे रहते हैं। तो इसमें सर क्या है, पेटी में सपोर्ट भी बनी रहती है सर, लंबी समय तक चलती है सर। जी सर, वाइब्रेशन भी बहुत कम होता है सर। सर इसकी उसकी जो क्वालिटी है जी सर, और इसकी जो गरारी लगी हुई है जी सर, क्वालिटी के बारे में बताइए सर। इसका बुश जो लगा रहता है ये सर, ये लगा हुआ है सर, ये बुश, ये सर पीतल का बुश लगा रहता है सर। इसका मेन काम ये रहता है कि सर किसान की बोनी होने के बाद सर वो कभी कभी धोता भी नहीं है, मशीन को साफ नहीं करता है, तो जिस कारण मशीन साफ हो जाती है और चद्दर में भी इफेक्ट पड़ता है सर। तो इस कारण इसमें पीतल का बुश लगा रहता है, जिसके कारण सर कि मशीन की अवधि भी बढ़ जाती है और सर वो ना धोने पर भी जाम होने से बच जाती है। बढ़िया पाटा भी लगा हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये एंगल रखी रहती है सर, पिठौरिया रखने के लिए लगी रहती है सर। यहाँ पे आप अपना पिठौरिया को बांध भी सकते हो। क्या सर इतना लंबा लगा रहने का मेन कारण है कि यहाँ पे आप पिठौरिया जिस बांधोगे सर, तो क्या रहता है सर, मशीन को जब अपन पाटा लगाने के बाद घुमाते हैं, फेरा दूसरा बदलते हैं, तो मशीन टांसों के यहाँ अड़ जाती है सर, तो वो अड़ने का काम बंद हो जाता है सर, दूर रहता है पिठौरिया, तो जिस कारण सर अपना टांसों और अपना फर्टिलाइजर पाइप पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। सर इसकी जो टांस है जी सर, बहुत मजबूत दी हुई है जी सर, और इसमें सपोर्ट भी लगाया हुआ है जी सर। इस ये देखिए आप सर, ये जो टांस लगी रहती है सर, क्या रहता है सर, टांस 10 से 12 साल में सर क्या रहे टांस टूट जाती है सर। क्या सर, तो इस कारण इसमें एक सपोर्ट पत्ती लगा दी जाती है सर, तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग अवधि हो जाती है सर, लाइफ लॉन्ग लास्ट डबल हो जाएगी सर। और इसकी अपन आगे चक्के की जो बात करें, आगे जो चक्का लगा हुआ है उसमें भी काफ़ी यूनिक दिख रहा है और बढ़िया फिनिशिंग दी हुई है। क्या सर, हमारा जो चक्का लगा रहता है इसमें एक बैंड दिया रहता है। अनदर कंपनी क्या करती है सर कि चक्का को ऊपर से ही बैंड कर देती है सर, तो जिस कारण क्या रहता है कि सर वो चक्का जल्दी टूट जाता है, मतलब एडजस्ट वेल नहीं रहता है सर, वो मतलब समय से घूमता नहीं है सर। वो क्या रहता है कि घूमेगा नहीं सर, तो अपना बीज भी अच्छे से नहीं गिरेगा,
तो इसका काम मेन क्या रहता है सर, सपोर्ट लगे रहने के कारण सर ये अपना एडजस्टेबल रहता है और सर अपने अच्छे से घूमने का भी काम करता है सर। इसमें काफ़ी बढ़िया मैंने देखा है फिनिशिंग दी हुई है, वेल्डिंग भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा, थोड़े इसके बारे में भी बताएं सर। हमारे यहाँ टोटल वेल्डिंग सर रोबोटिक मशीन द्वारा, कंप्यूटर रोबोटिक मशीन द्वारा होती है सर। क्या सर अनदर लोकल कंपनियाँ क्या कहती हैं सर कि यहाँ से वेल्डिंग कर देती हैं सर तो वो जल्दी टूट जाती है, तो सर क्या रहता है कि हमारे यहाँ जो मशीन रहती है वो सर सामने देखिए आप, रोबोटिक मशीन द्वारा कंप्यूटर मशीन रहती है सर, कंप्यूटर द्वारा एडजस्टेबल रोबोटिक वेल्डिंग की जाती है जिस कारण सर इसकी मजबूती स्ट्रॉन्ग हो जाती है सर। स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या रहता है सर, ये फ्रेम ज़्यादा समय तक चलता है सर, आपकी 15 से 20 से 25 साल तक इस फ्रेम का कुछ नहीं होगा सर, और आपकी मशीन भी सर 25 से 30 साल बाद रीसेल होगी ना कि सर भरी जाएगी। अच्छा सर इसमें जो दो छेद दिए हैं ये इसका क्या कारण है सर? ये गहरी उतली बनी करने के लिए रहता है, कभी कभी क्या रहता है कि खेत में क्या रहता है कि सर मतलब एडजस्ट नहीं हो पाती है सर, तो जो अपन टापलिंग लगाते हैं सर ऊपर ड्रावर लगाते हैं सर, तो ड्रावर लगाने के में क्या रहता है कि सर अपन ऊपर वाले में ड्रावर लगाएंगे तो मशीन की साइज एक सी रहती है, तो क्या रहता है खेत में एक सी चलती है मशीन। कभी कभी ऐसा रहता है कि सर मशीन आगे पीछे से उठ रही होती रहे और आगे से दब रही होती है सर, उसमें क्या रहता है इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं अपन, नीचे लगा सकते हैं सर तो मशीन का एक सा साइज आ जाता है। क्या कभी कभी ऐसा रहता है सर कि खेत के हिसाब से मशीन को एडजस्ट करना, मतलब सर का कहना है कि ट्रैक्टर और खेत के हिसाब से आपको जैसा भी एडजस्ट करना है वैसा कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ वो फंसाने का भी सिस्टम दिया है, इसमें वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है सर। क्या रहता है अगर वाइब्रेशन होगा सर तो अपने आप बीज की क्वालिटी ज़्यादा, बीज ज़्यादा गिरने लगता है सर, तो उसमें क्या रहता है कि अपना प्रति हेक्टेयर जो बीज बोते हैं उसमें सर क्या रहता है कभी कभी ज़्यादा बीज गिर जाता है खेत में, कभी कभी कम गिर जाता है, तो इसमें क्या रहता है कि सर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बीज गिरता है। इसके बॉक्सों के बारे में बताइए, यहाँ आपने बढ़िया ये लगाए हुए गरारी लगाई हुई है जी सर, ये देखिए सर, ये सर यहाँ से मक्का का अपना सीड गिरते जाते हैं सर, ये अपने एडजस्ट होकर निकलते जाते हैं, दाना लेके जाए एक एक दाना लेके यहाँ से निकलता जाता है। अदर सीड ड्रिल में यहाँ ब्रश लगा रहता है वो फेल हो जाता है सर, वो सिस्टम फेल नहीं होगा सर, एक समान दाना कहता है। आइए तो किसान भाइयों, सर ने इस मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल के बारे में एक एक जानकारी दी, अब हम आपको बताते हैं कि ये सीड ड्रिल कितने में आपको मिलेगी। सर इस सीड ड्रिल की मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल की प्राइस बताइए। मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल की प्राइस है 58,000 रुपये फुल हैवी पीतल, उसमें मक्का काटे चुंट लगा के सर। अच्छा ये बताइए इसमें सर गवर्नमेंट द्वारा कुछ सब्सिडी भी मिलती है किसान? हाँ जी, इसमें गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी मिलती है किसान के लिए मिलती है। तो किसान भाइयों इसका जो प्राइस, इस सीड ड्रिल तो हमारी फुल हैवी की प्राइस है 58,000 रुपये, परंतु जो सब्सिडी पे रहती है वो आधा पेमेंट में मिलती है किसान के लिए। तो किसान भाइयों ये सीड ड्रिल जो है मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है, इस पे आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो इतना बढ़िया सिस्टम और ये सारे चद्दर और लोहे की क्वालिटी को देखते हुए सर ने रेट भी बहुत रीजनेबल रखे हैं। तो एक बार विजय खुराई, विजय जो कि हमारे देश में पूरे हर राज्य में इनका ब्रांड जाता है और चल रहा है और किसानों सालों साल चला रहे हैं, तो एक बार विजय खुराई आगे विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।